काना के लिए लाई हूँ मैं ये वाली ज्योमेट्री पाउच जो भी बोलो लेकिन अगर काना टूटेगा ना तो फिर मैं दोबारा नहीं लाऊंगी। ये देखो इसके अंदर कैसा, और ये अच्छा रहता है बच्चों के लिए, तो इसमें ना सारे चीजें आ जाती हैं जैसे पेंसिल वगैरह सब आ जाते हैं। और ये है 240 से 245 रुपए का, मेरा एल्सा का है। और ये है रिदिमा का पाउच, ये 250 रुपए का है। ये ना सिलिकॉन क्या बोले इसको, कौन सा मतलब वैसा प्रोडक्ट नहीं है कि खोल के दिखाती हूं। हाँ ये बड़े पसंद आ रहे हैं आजकल बच्चों को ये वाला, ये ऐसे है खराब मत करना, अभी थोड़े से बड़े होते हैं दूसरे वाले। हाँ दूसरे वाले बड़े होते हैं, तो ये सही है, ये डेली वेज के लिए सही है क्योंकि इसमें ना सारा कुछ आ जाएगा, ना तो ये बड़े हैं ना छोटे हैं। और जो वैसे वाले होते हैं ना तो बच्चे तोड़ देते हैं, वो कार वाले पता नहीं क्या क्या वाले आते, तो ये अच्छे चल रखे हैं आजकल। और एक मैं राइटिंग बुक लाई हूँ दोनों बच्चों की, वहाँ रखी है कुछ क्या, एक मैं राइटिंग बुक लाई हूँ ये वाली, तो काना की राइटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बाबू ने ना अपनी राइटिंग खराब कर दी है, तो बाबू के लिए भी ये लाई हूँ मैं, दोनों भाई बहन के लिए। तो ये देखो ये बाबू की है और अब वो इसमें, हाँ ये इसमें, और ये काना की है ले काना, तो बाबू 8th में चली गई लेकिन ना राइटिंग उसकी बहुत, वो सॉरी 9th में, लेकिन उसकी ना राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है और कह रही है अरे मत बोलो ना तो क्यों ना बोले जब राइटिंग पे ध्यान नहीं दोगे, तो राइटिंग पहले इसकी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर जैसी राइटिंग थी, मतलब इतनी सुंदर। हाँ इसने ना लॉकडाउन से लापरवाही करी राइटिंग में, तो अभी मैं इसके लिए ये वाली बुक ले आई हूँ और काना की तो अच्छी है ईश्वर की कृपा से। राघव की हैंडराइटिंग अच्छी है। एक लाई हूँ मैं ये वाला रैकेट, तो इसके साथ ना ये वाला वो भी मिला है जिससे कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये मेडिकल स्टोर, वो सॉरी मेडिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लाई हूँ मैं, मेडिकल स्टोर में भी अच्छे मिलते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप से काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब इसका जो ये बाहर का है वो है तो ये अच्छा, वैसे ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये काना के हाथ नहीं लगना चाहिए, अगर काना के हाथ लगाना तो फिर काना ने हर बार के खराब किए हैं, मच्छरों को कम मारता है और दीदी को, और वैसे ही खाली मच्छर खाली रैकेट बहुत चलाता है। तो काना इस पर हाथ नहीं लगाना, अगर ये टूटा काना तो काना आपका कान भी फिर तमें मरोगे। तो आप ही तोड़ दो हैं, आप ऐसे ऐसे मच्छरों का और काना इतनी सावधानी से मतलब ये काम करता है ना गाइस कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब छेड़ा काना और कब काना ने काम खराब किया। और आजकल ना 2-3 दिन से ये बाहर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ और बस खाने की होश नहीं, पीने की होश नहीं, बस क्रिकेट पे ध्यान। तो काना के हाथ नहीं लगने दूंगी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं, इसको संभाल के रखेंगे है, काना के हाथ मत लगने देना ठीक है। नहीं उसे करंट लगता है, दिखा दो इसको कैसे करंट लगता है। हाँ करंट लगता है, जो बच्चा यहाँ पे बजे हैं रात के 10:30, हमने खाना खा लिया है और यहाँ पे बाबू की बुक्स पे लग रहे हैं ये कवर रजिस्टरों पे, और बहुत सुंदर कवर लगाते हैं ध्यानी जी, ये देखिए इतने सुंदर और परफेक्ट ना, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने सुंदर काम कर लेते हो जीवन में पहली बार कोई काम वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैंने इन पे फेविकोल लगा रही हूँ, ये है ना जो, तो इनमें ना फेविकोल लगा देते हैं तो इसलिए, और बहुत ही सुंदर। तो ये कौन सी बुक्स है, रजिस्टर है वो, रजिस्टर किस चीज की, मतलब कौन सा सब्जेक्ट की है ये, फिजिक्स सोशल साइंस की 4 फिजिक्स की, मतलब पर्पल कलर की। और ये पिंक किस कलर का है, फिजिक्स रेड है और बाकी सारी चारों जो है वो सोशल साइंस है, पिंक इंग्लिश है, ग्रीन केमिस्ट्री है लग रहा है ना, और ग्रीन केमिस्ट्री। तो ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखिए हमारे टाइम पे ना छोटी कॉपियां होती थी, इतने बड़े रजिस्टर नहीं होते थे हमारे टाइम पे 2006 में। तो गाइस इस पे मैंने फेविकॉल चिपका दिया है। राधे राधे आप सभी को, यहाँ पे बाबू ने सूर्य नारायण भगवान जी को पानी चढ़ा दिया है और ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है, यहाँ पे उठ गए हैं पतिदेव जी भी, अभी काना सोया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, साथ में बन रही है भिंडी की सब्जी और कबूतर हूँ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्याज और भिंडी की सब्जी बन रही है सुबह सुबह स्कूल के लिए भी, ऑफिस के लिए भी और नाश्ते के लिए भी।
रात को ही काट ली थी मैंने भिंडी, और भिंडी ने पानी नहीं छोड़ा है, अच्छी बन रही है, मतलब ठीक ठाक ही बन रही है। वैसे थोड़ा थोड़ा हो रखा है, लेकिन जो मैं तेल में भुनी ना वो है। और इनको अब हटा देते हैं, इनको कर देते हैं एक किनारे। सुबह सुबह मैंने गेट भी खोल लिया है, इनको कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पे ना जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, तो मशीन लगाने के बाद अगर मैंने ये वाला पानी, मतलब मशीन लगाने के बाद अगर हमने ये वाले नल खोल दिए ना, तो यहाँ पे वाटर चेक वाटर सप्लाई आने लगता है। तो ये मशीन ना, ये नल बड़ा लाना पड़ेगा यहाँ पे। इसको कर देते हैं बंद, और कपड़े भी पड़े हैं मशीन के ऊपर, इनको भी मैं धो दूँगी। ये सारे बच्चे छींटे डाल देते हैं इसमें, फिर से मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी और फिर से ये लानी पड़ेगी कॉटन पे, उसके बाद आल आ जाएगा। इसको कर देते हैं, इसका टाइम कम कर देते हैं, 1 घंटा 5 मिनट। अब कर दूंगी मैं इसको, ये फिर से ये देखिए आधे कपड़े धुल चुके थे, पता नहीं क्यों वाटर सप्लाई आता है। कर दिया है, अभी बनाते हैं बाबू के लिए रोटी। और आज की ये जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी। जली तो नहीं है नीचे से भिंडी, हल्का हल्का लगा, बाकी लगा नहीं है अभी। यहाँ पे चाय पत्ती भी डाल दी है, और अभी उबलने देंगे चाय को। तब तक डालते हैं इसमें पानी, इसमें डाल देते हैं पानी। आजकल गर्मियों में इसको रोज पानी चाहिए। इसको कर देते हैं इधर सिट, इधर यहाँ इस कोने पे। खाना की गाड़ी रही रखी है, खाना की जहाँ मर्जी आती है खाना वहीं रख देता है अपनी। तो ये बाबू के लिए मैंने इसमें निकाल दिए हैं, वो दूध के साथ ना कुछ भी नहीं खाती है, ना तो बिस्किट खाती है ना कुछ खाती है। और अभी उसका दूध बनने वाला है, यहाँ पे पहले चाय बन रही है। तो यहाँ पे टिफिन भी तैयार हो गया है, और 2 रोटी भी मैंने उसके लिए बना दी है, इन पे घी लगाना बाकी है। टिफिन उसका निकल गया है, और उसकी ना सब्जी ठंडी करने के लिए रख दूँगी मैं यहाँ पे, मतलब उसके लिए सब्जी ठंडी हो जाएगी। तो खा के नहीं जाती है वो, लेकर जाती है। तो चलिए इसको ना ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं यहाँ पे, जैसे ही सब्जी ठंडी होगी उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि गरम गरम सब्जी पे गंद आ जाएगी। चलिए गाइस, यहाँ से ना बहुत अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा। हस्बैंड जी तो ले गए अपनी चाय, और मैं अपनी चाय ले लूँगी। और बालकनी में चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। बाबू भी हो गए हैं यहाँ पर रेडी। सूट में कैसे लग रही है खड़े हो ना? ये देखिए, ये बाबू की ड्रेस हो गई है। पहले ना ऐसी स्कर्ट थी, और ये ऊपर की कमीज थी, और नीचे जैसे सलवार का कलर है तो वो स्कर्ट था। तो अब ये सूट हो गया है इनका 9th से, और बाबू चली गई 9th में, और जो उसके साथ के ना अभी कोई 7th में है कोई 8th में है, लेकिन इसको हमने बहुत जल्दी डाल दिया स्कूल में। अपनी चाय रख लेती मैं यहाँ पे, पार्क का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है देखा। गुड इवनिंग, तो बाबू ऐसी लग रही है, पीछे हो जाओ। दुपट्टा भी ले लिया है, बाल मैंने बना लिए हैं ये, और सूज़ पहन लिए हैं, नए सूज़ नए ले रखा है इसलिए।
और आज सूट पहली बार पहनी है। छोटे बच्चों पे ना सूट अच्छी लगती है। पीछे पीछे इधर आ। अजीब लगती है। हाँ। छोटी छोटी है इतना, इतनी छोटी हाइट वाले सूट कैसे पहन सकते हैं। हाँ, अच्छी लग रही है। क्या गाना है सऊदी अरेबिया का? सऊदी एमिरेट्स का क्या गाना है? हबीबी। ये सारे बच्चों को पता होगा, किसी से भी पूछ लेना। क्या कौन सा गाना? हबीबी। मैं इसमें गंदे नहीं सुनूं। सुना ले जरा दी। कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं याद होता ज्यादा, तो सुना। सुनाना बाबू थोड़ा सा सुना। है भी क्या? तीतो फाले तीतो फाले जेतंती में जेतंती में। हाँ, तीतो फाले जेतंती में वे तंती में हबीबी तन तन सऊदी अरेबिया का गाना है, मतलब सऊदी अरब यूएई का, यूनाइटेड अरब का होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात से बोलते हैं, अमीरात बोल दी, सऊदी अमीरात, यूएई। अच्छा, चला। तो हमने 9 बजे खाना खा लिया था और अभी हम घूमके आ रहे हैं। ओ, ध्यान सारा वहाँ तोड़ फोड़ कर दिया है किचन में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं शायद। तो अभी हम घूम के आ रहे हैं और